ना, तो कुछ क्वेश्चंस हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तू पूछ कह रहा है नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ग्रुप आता है वो होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं मिलता है फॉलोइंग इन क्वेश्चन में, तो ऑप्शन हम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए भैया, मेसोजोम्स, मेसोजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसो, न्यूक्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, एनवलप, राइबोसोम। राइबोसोम। देखो यार, राइबोसोम ऐसे रोने होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर मिलना ही है, ठीक ना, मिलेगा, ठीक है, तीनों लेयर इसके अंदर भी होता है। और म्यूजोम तो बैक्टीरिया के अंदर होता ही है, ठीक है, यूकैरियोटिक में म्यूजोम नहीं होता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर होता है उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बाकी के भी मतलब कि जो सिक्रीशन वगैरह होते हैं उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। म्यूजोम एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम हो जाएगा न्यूक्लियर, ठीक ना, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर तुमने बचपन में यार 9th में पढ़ा होगा, तुमने प्रोकैरियोटिक का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है, जो इसके ऑर्गेनेल होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, और जो ऑर्गेनेल होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, तो वो भी अपने राइबोसोम, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, Which one help bacteria to attach the rocks सबस्ट्रेटम, on सबस्ट्रेटम। देखो यार, अटैचमेंट के लिए ना, अटैचमेंट के लिए हमने फिम्बरे पढ़ा है, ठीक ना। ये जो फिम्बरे है, तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुमको वहां पे सबस्ट्रेटम वगैरह दिखेंगे, रॉक से, होस्ट के टिश्यू से, सबस्ट्रेटम यानी कि कुछ रॉक वगैरह पानी में मूव अगर बैक्टीरिया बहते चला जा रहा है, तो अटैचमेंट के काम में हम लोग फिम्बरे आता है, ठीक ना। बाकी सिलाई का रोल और फिर फ्लेजिला का रोल, ठीक ना, ये सब तुमने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an inclusion body found in a bacteria? इंक्लूजन बॉडी कौन सा नहीं मिलता है, इंक्लूजन बॉडी, ऑप्शन दिया, ग्लाइको, ग्लाइकोजन, ग्रेनुल, ग्लाइकोजन ग्रेनुल, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रेनुल, हाँ, पॉलीजोम, फॉस्फेट पॉलीजोम, पॉलीजोम, साइनोफाइसियन साइनोफाइसिन। ग्रेनुल्स। तो फिर साइनोफाइसिन जो होता है स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन्यूल होता है, ठीक ना। ग्लाइकोजन तुमको पता ही है कि स्टार्च जो होता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है प्लांट में स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो होता है और साइनोफाइसिन तो होना ही है, ठीक ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है साइनोफाइसिन भी, शुगर होता है, ठीक ना। और पॉलीजोम, देखो पॉलीजोम जो तुम्हारा है ये नहीं होगा, और बाकी फॉस्फेट ग्रेन्यूल जो हमने पढ़ा होगा साइंस से, पॉलीजोम हमारा जब एक राइबोसोम के ऊपर कई सारे, मतलब एक डीएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम अटैच करते हैं तो उसको पॉलीजोम कहते हैं, राइट। हाँ, तो ठीक है, जैसे मान लो एक डीएनए होता है हमारा, एक डीएनए सेगमेंट एक आते हैं, उसमें कई सारे जब राइबोसोम ऐसे लग जाते हैं, ऐसे कई सारे राइबोसोम, तो उसको कहते हैं पॉलीजोम, ठीक ना, ये चीज याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The term glycocalyx is used for ग्लाइकोकैलिक्स, हाँ, ऑप्शन, ऑप्शन, लेयर बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। नहीं, देखो अ लेयर बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में नहीं होता है, आउटर साइड पे होता है, ठीक ना। सेल नेक्स्ट, वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, सेकंड ऑप्शन है, नहीं ये भी नहीं होगा। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजर्ड टू प्रोसेस एंड ग्लाइकोलाइज्ड प्रोटीन, नहीं ये भी नहीं होगा। अ लार्ज सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, सराउंडिंग, ठीक है। तो हम लोग का जो ग्लाइको कैलेक्स होता है सराउंडिंग के लिए होता है, ठीक ना। बेसिकली आपने इसमें पढ़ा होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लाइम लेयर, ठीक ना, स्लाइम स्लाइम लेयर, दूसरा होता है कैप्सूल, ठीक है। स्लाइम लेयर जो होता है वो स्टिकी होता है और ये बेसिकली जो भी हेल्प करता है, ठीक ना। और कैप्सूल होता है हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए, ठीक ना, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हैव अ फिलामेंट्स इन, हाँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, जैसे कि हम लोग आगे इसमें बीजिए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एंड ये हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरिया नॉस्टोकैनाबिनेस, स्पिरुलिना, ऑसिलोटेरिया जो साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप आते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो हम लोग होता है क्रोमेटोफोर होता है, क्रोमेटोफोर होता है, ठीक ना, सही है। देखो ये क्या होता है ना, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है, ठीक ना, ये सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स, और ये फिर देखो ये ग्लाइकोकैलेक्स, ये सेल वॉल, और ये हमारे कुछ इनफोल्डिंग के साथ होता है मीजोसोम, ठीक ना। इसमें कुछ जब मीजोसोम पे, मतलब मीजोसोम भी इनफोल्डिंग होती है, ठीक ना, बट उनके ऊपर जब कुछ पिगमेंट ऐसे ऐसे लग जाते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट कुछ ऐसे ऐसे लग जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्रोफ, ठीक है। क्रोमेटोग्रोफ पर कुछ
कुछ ग्रीन पिगमेंट जैसे कि हम लोग हो गया बैक्टीरियोफिल है ना, बैक्टीरियोफिल बैक्टीरियोफिल ये जब लग जाता है पिगमेंट तो ये हमारा सॉरी फोटोसिंथेसिस करने के एबिलिटी है। ठीक है, बस बाकी यही सब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।